चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर में आगे द्रव का वर्गीकरण। तो इसी अब मैं इस लेक्चर में आपको द्रव के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करूंगा कि द्रव को हम किस किस पर किस आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो अगर आप बात करो कि कोई भी द्रव दो या दो से अधिक अभिन्न को मिलाने पर प्राप्त होता है तो उस मिलाने वाले अभिन्नों की अनुपात क्या है, वो अनुपात में एक निश्चित दे रहा हूँ। अगर आप कहीं पर भी बनाओ उसी अनुपात में आपको मिलाने पर जो यौगिक प्राप्त होंगे उसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। और अगर कोई निश्चित नहीं है आप घर पे जाके अलग तरीका से बता सकते हो, मैं किसी अलग तरीका से बता सकता हूँ, हाँ अभी हम सेम करेंगे अभी हम नहीं करते हैं। तो जब हम दो या दो से अधिक अभिन्नों को रैंडम अनुपात में एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो प्राप्त होने वाले यौगिक को हम मिश्रण कहेंगे, और जब हम कोई निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो शुद्ध पदार्थ होते हैं। इस प्रकार से द्रव को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है, मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ। अगर कोई एक ही करके हम परिभाषित करेंगे मिश्रण क्या होता है शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं मिश्रण को परिभाषित कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ का मिश्रण दो या दो से अधिक अवयवों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। जब भी आपसे कोई मिश्रण की परिभाषा पूछता है तो उसको बताओगे कि जब हम दो या दो से अधिक अवयवों को एक अनिश्चित अनुपात में रैंडम अनुपात में मिलाते हैं तो प्राप्त होने वाले यौगिक को हम लोग मिश्रण कहते हैं। इसमें ध्यान रखना मिश्रण अवयवों का अनुपात अनिश्चित है, आप जैसे मर्जी मिला सकते हो, तो उससे प्राप्त होने वाले यौगिक को मिश्रण को इसके कुछ एग्जाम्पल दिए थे। अगर आपको शरबत बनाना है तो आप जल और चीनी शुगर और वाटर को मिला दीजिए, और शरबत आपने देखा होगा कि आप इतनी बार बनाते हो कभी मीजर करके लिया शुगर नहीं लेते ना, पानी को मीजर करके लिए रैंडम थोड़ा सा अनुमानित पानी ले लिया और उसमें कुछ एक अनुमानित चीनी मिला दी और उसको आराम से डेवलप कर दिया, उसको बनने से जो बनता है क्या बोलते हैं शरबत। किसी ने कभी घर में ऐसा किया है क्या, चीनी को मीजर करके लिया और 100 ग्राम 100 ग्राम उधर एक अनिश्चित अनुपात दे रहे हैं दोनों अवयवों को और मिक्स कर दे रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हम लोग मिश्रण बोलते हैं। ऐसे हवा रेत तथा जल का मिश्रण, तो इसकी परिभाषा आपको याद रखना है कि जब हम दो या दो से अधिक अवयवों को एक अनिश्चित रैंडम अनुपात में मिक्स करते हैं तो प्राप्त यौगिक को मिश्रण कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक अवयवों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण में कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, शरबत हवा रेत तथा जल का मिश्रण। इसके बाद आता है मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, जिस आपने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा द्रव का, द्रव मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण को भी हम दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा विषमांगी मिश्रण हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो मिश्रण को भी दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण एक जैसा आपको कुछ सेंस लगेगा, समांगी मतलब एक जैसा, विषमांगी मतलब अलग अलग हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो अब हम समांगी मिश्रण की बात स्टडी करेंगे। समांगी मिश्रण का प्राप्त होते हैं जब दो या दो से अधिक अवयव एक दूसरे में पूर्णतः मिल जाते हैं और हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते, समांगी मिश्रण में आते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें अवयव एक दूसरे से पूर्णतः मिल जाते हैं तथा उनको अलग अलग देख पाना संभव ना हो, समांगी मिश्रण में आते हैं। अब अलग अलग देख पाना संभव ना हो सकता आप डायरेक्ट आपसे तब भी आप उसके अवयवों को अलग अलग नहीं देख पाओगे, या आप अगर उसको माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो भी आप अलग अलग नहीं देख पाओगे। तो इस प्रकार के मिश्रण को जिसमें अवयव एक दूसरे में पूर्णतः मिल जाते हैं और उनको अलग अलग देख पाना संभव ना हो, समांगी मिश्रण के कहते हैं। समांगी मिश्रण के कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने पड़ेंगे अच्छे गुण है, जैसे समांगी मिश्रण में संगठन एक समान होता है। जैसे अगर मैंने शरबत में कर दिया तो शरबत में मैं क्या करूँगा, चीनी लूंगा और जब पर उसको बोलता हूँ अच्छे से बोलने के बाद, अगर मैंने शरबत को अच्छे से बोल के प्रकट किया है तो आप देखोगे कि मैं शरबत चाहे ऊपर से लूँ या चाहे नीचे से लूँ एक समान मीठापन होना चाहिए, इसी को बोलते हैं संगठन। मतलब आप किसी भी जगह से सैंपल उठा लीजिए वो मिश्रण का अगर है तो उसमें संगठन एक समान होगा, ऐसे नहीं कि आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया, चीनी को जल में डाल दिया और ऊपर से पीना स्टार्ट किया तो ऊपर से तो पानी पी रहे हो और लास्ट में आपको चीनी बच जाएगी, तो उस टाइप के मिश्रण को समांगी मिश्रण नहीं हो सकते। समांगी मिश्रण में संगठन हमेशा एक समान होता है। और दूसरा पॉइंट इसका है कि समांगी मिश्रण एकल अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब समांगी मिश्रण में तो अवयव भले ही अलग अलग अवस्था में, बट अगर हमने समांगी मिश्रण बनाया तो समांगी मिश्रण फाइनली एक ही भौतिक अवस्था में मिलेगा। इसका एग्जाम्पल भी आप इसी से समझ सकते हैं, शरबत हो गया तो शरबत के जो अवयव है एक चीनी है और एक जल है। अगर आप चीनी की भौतिक अवस्था देखोगे तो दो से, और जल की भौतिक अवस्था द्रव है। जो शरबत के दो अवयव है दोनों अवयव
भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, बट जब मैंने उनको मिला के अच्छे से डिजोल्व करके अच्छे से घोल के सरबत बनाया, तो आप सबको पता है सरबत में किस अवस्था में कितने द्रव अवस्था में कितने हैं, तो सरबत में द्रव अवस्था में पूरा पूरा सरबत द्रव अवस्था में ही होगा। तो ये दो पॉइंट आपको याद रख लेने के, समांगी में सरबत संघट के समान होता है तथा समांगी में सरबत में एकल अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये भले ही अलग अलग भौतिक अवस्थाओं को ये चीज आपको याद रखनी है कि समांगी मिश्रण दो मिश्रण होते हैं जिनमें अवयव एक दूसरे को ध्यान में लाते हैं और उनको अलग अलग देख पाना संभव नहीं होता है। वो हम आंख से नहीं देखेंगे तो भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे तो भी हम कभी भी अवयवों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि समांगी मिश्रण का संघट एक समान होता है, कितना भी बड़ा सैंपल हो समांगी मिश्रण का कहीं से उठाइए तो उसमें सह संघट आएगा जो दूसरी जगह पे सैंपल लेने पर आएगा। और सारे के सारे समांगी मिश्रण इधर अवस्था में पाए जाते हैं विषमांगी मिश्रण।